पुलिस लाइन टाकली परिसर में स्थित पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर रविवार की रात एक युवक ने खूब उत्पात मचाया। पहले पेट्रोल भरने की मांग को लेकर वहां तैनात पुलिसकर्मी से हाथापाई की, समझाने के बाद मामला शांत हुआ। कुछ देर बाद वह 6-7 युवकों को लेकर दोबारा आया, दोनों कर्मचारियों के साथ मारपीट की तो युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि अन्य भागने में कामयाब हुए। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैजयंती मांडाधरे ने अधिक जानकारी साझा की। सीआईडी ऑफिस के बगल में सिटी पुलिस द्वारा संचालित पेट्रोल पंप है। यहाँ एएसआई राजपूत बतौर मैनेजर ड्यूटी कर रहे थे। रात 10:10 के दौरान एक युवक दोपहिया वाहन पर महिला के साथ आया, कतार को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया और पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने की मांग की। राजपूत ने उसे लाइन में आने को कहा तो विवाद करने लगा, धक्का मुक्की पर उतर आया। तभी कांस्टेबल गफ्फार ड्यूटी पर पहुंचे, उन्होंने युवक को समझाया। महिला ने बताया कि उसे डॉक्टर के पास जाना है। गफ्फार ने तुरंत उनके वाहन में पेट्रोल भरवा कर रवाना कर दिया। 10 मिनट बाद वह युवक 6-7 लड़कों के साथ पंप पर पहुंचा और राजपूत के साथ मारपीट शुरू कर दी। गफ्फार ने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट करने लगे। वर्दी में होने के बावजूद आरोपी युवकों ने एक नहीं सुनी। घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी गई। गिट्टी खदान और मानकापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस स्टेशन मानकापुर के एरिया में सीआईडी के बाजू में पेट्रोल पंप है। वेलफेयर की तरफ से पुलिस नागपुर शहर वेलफेयर की तरफ से वहाँ पे एएसआई चंद्रपाल पर्वत सिंह राजपूत ये प्रबंधन करके ड्यूटी पे है। सो 6/3/2022 को रात 9:30 से 10 बजे के दरम्यान आरोपी आदिल शेख अलीम शेख उम्र 24 साल ये आए पेट्रोल भरने के लिए और उनको कहा गया कि आप लाइन में आके पेट्रोल भरो। तो इस कारण से उन दोनों में वाद विवाद होके मारपीट की गई। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन मानकापुर यहाँ पर 53/2022 कलम 353, 332, 186, 34 का गुना दाखिल है। दो आरोपी अटक है और आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। गफ्फार ने अन्य लोगों की मदद से दो युवकों को पकड़ लिया, जिन्हें मानकापुर पुलिस के हवाले किया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।